गाइस आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर। और मैंने 2 चम्मच तेल डाल चुकी हूँ और प्याज मैंने काट ली है, मटर और पनीर हमने काट लिए। चलो अभी तेल गरम हो रहा है तो, और अब हम डाल रहे हैं, हमारा तेल गरम हो गया, अब हम प्याज डाल रहे हैं। ऐसे ना डालें तो आपके ऊपर लग सकता है। और अब हमारी प्याज लाल हो चुकी है तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच और 2 चम्मच। हमने 2 चम्मच पेस्ट डाल चुके हैं और अभी छोटी चम्मच हल्दी हमने ले ली है। और अब हम ले रहे हैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार जितना आप खाते हो, थोड़ा सा गरम मसाला। और हमारी प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा लाल हो चुका है, चटनी का रूप ले लिया है इसने मसाले में। थोड़ा सा मीट मसाला डाल, हो चुकी है, इसमें मसाले डाल दिए मैंने, मसालों को भूनेंगे, थोड़ा सा पानी। ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी है थोड़ी खुशबू के लिए, थोड़ा पानी ऐड कर दिया हमारे मसाले। और अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे ताकि मटर थोड़ा मसाले के साथ ही भून जाए, में थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। ये थोड़ा मटर इसमें सॉफ्ट हो जाएगी, इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे पकने के लिए 10 मिनट। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखेंगे मटर लगभग हो चुकी है मटर। मटर हो चुकी है और अब हम इसमें ये पनीर के स्लाइसेस ले रहे हैं। ताकि ये भी अच्छी तरह थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अगर आपको थोड़ा तरी वाला चाहिए तो उसके लिए, क्योंकि हमें तो तरी वाला ही खाना है इसलिए। अब इसको 10 से 15 मिनट पकने देंगे, ठीक है। अब हमारी सब्जी पूरी तैयार हो चुकी है और हम इसके ऊपर से थोड़ा धनिया भुरक देंगे। और अब हम इसे थोड़ा ढक के रख देंगे।